ओ भाई साहब, अब जाकर मुझे कल की 2898 एडी के इन डायलॉग्स का मतलब समझ में आ रहा है। अब जिन्होंने मूवी देख ली है वो आगे कंटिन्यू करो, एंड जिन्होंने नहीं देखा है उन पर 1 मिलियन यूनिट्स का फाइन लगाती है कॉम्प्लेक्स। सो पिछले वीडियो में मैंने जब ये कहा था कि प्रोजेक्ट के अंदर श्री कृष्ण जी का ब्लड लेकर कल्कि जी को जन्म दिलवाया जा रहा है मूवी के अंदर, तो कईयों ने कहा कि श्री कृष्ण जी का ब्लड नहीं निकला था कुरुक्षेत्र में। तो मेरे भाई बात को समझो, मेरे कहने का मतलब था कि उनका ब्लड मिला होगा कहीं से, जरूरी नहीं है कि वो कुरुक्षेत्र से ही मिला हो, वो कहीं से भी मिल सकता है, जिसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए थे, जहां एक बार उनके हाथ में कटा गया था तो द्रौपदी जी ने अपने कपड़े को फाड़कर उनके हाथ के आसपास बांधा था बैंडेज के जैसा। वहीं दूसरी बार जब उनका देह त्यागने का समय आया था तब उनके पैर में तीर लगी थी, तो वहां से भी कृष्ण जी का ब्लड मिल सकता है। अब मुझे अगर कुरुक्षेत्र पर ही फोकस करना होता तो मैं आपको वो वाली कहानी सुनाता जिसमें ये कहा जाता है कि कर्ण के कुछ बाण कृष्ण जी को जा लगे थे एंड उनका खून भी बहा था, जिसके बाद रथ पर मौजूद झंडा जिसमें हनुमान जी थे वो वहां से निकलकर हमला करने वाले थे, जिस पर श्री कृष्ण जी ने उनको रोक लिया था एंड कहा था कि ये उनकी लड़ाई नहीं है और उन्हें शांत कर दिया था। इसके अलावा हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने एक बहुत ही अच्छी डिटेल पॉइंट आउट किया, एंड वो ये है कि श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में है, वहां श्री कृष्ण जी का दिल है, तो वहां से भी यास्किन को ब्लड मिल सकता है। एंड जैसे ही मैंने श्री जगन्नाथ का नाम सुना तो मुझे यास्किन के आखिरी डायलॉग याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम कर आएगा, अपने हर फेरे में वो बस प्रलय ही साथ लाएगा, तरतराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। अब ऐसी बात का कई मीनिंग निकाला जा सकता है, बट मुझे जो समझ में आया मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आप पहले की लाइन सुनो तो उसमें भगवान जगन्नाथ जी का जिक्र है जो कि विष्णु जी के अवतार है, एंड यहाँ पर रथ का चक्र से मतलब मेरे ख्याल से समय से होगा, जो कि सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा होगा, जो कि 6000 साल में एक बार आता है, जिस समय कल्कि भगवान जी का जन्म होगा, एंड इसीलिए यास्किन उनको उस दिन से पहले मारना चाहता है, एंड इसीलिए वो अब खुद आ रहा है सुमति के पीछे, क्योंकि ये ग्रह दशा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, एज अगर वो सही समय में जन्म लिए तो वो कली एंड यास्किन जैसे लोगों के लिए प्रलय को लेकर आएंगे, क्योंकि कल्कि जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बाकी अवतार के जैसे ज्ञान नहीं देंगे बल्कि सबका विनाश कर देंगे। वहीं अगर इसका दूसरा मीनिंग निकाले तो ऐसा हो सकता है कि यास्किन कली के जन्म की बात कर रहा था, जिसके जन्म का या फिर कहें बॉडी का इंतजाम यहां पर यास्किन इतने सालों से कर रहा है। एज उसके आगे की लाइन सुने तो वो कहता है कि तरतराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा, एंड वी ऑल नो कि कली का जन्म समुद्र मंथन के टाइम हुआ था, जब 2 बूंद विष धरती पे गिर गए थे एंड उसी से कली का जन्म हुआ, बट क्योंकि उस समय उतना पाप नहीं हुआ था तो उसका बॉडी वहां मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कलयुग जो कि उसी के नाम पर रखा गया है, इस दौरान पाप अपने चरम सीमा पर होगा, इसीलिए कली के पास अब बॉडी होगा जो कि धरती चीर के आएगा, क्योंकि धरती चीरने वाला काम कल्कि भगवान नहीं करेंगे, एस वो तो सुमति जी द्वारा इस युग में अच्छे से आ रहे हैं। बेसिकली आप इस सिनेरियो को इटर्नल्स मूवी के टियामट के एंट्री से रिलेट कर सकते हैं, जहां पे टियामट इतने सालों से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था और जब फाइनली वो पूरी तरीके से कैपेबल था तो वो धरती को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ रहा था, लेकिन इटर्नल्स ने उनको रोक दिया। सो कली जो कि इतने सारे युग से पापों को एब्जॉर्ब करते आ रहा है, अब वो भी एक पावरफुल बॉडी के साथ धरती माँ को चीरते हुए आएगा, और लेकिन वो टियामट के जैसे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने अर्थ ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई वो राज कहां करेगा। एंड आई थिंक इसी चीज के बारे में यास्किन यहां पे बता रहा था कि तरतराती धरती मां की कोख से अब जन्मेगा, एक नया युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। अब इसके आगे का लाइन सुने तो यास्किन कहता है, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा, तो बेसिकली वो यहां पर ये कहना चाह रहा होगा कि अगर वो कल्कि भगवान को जन्म लेने से रोक दे या फिर मार दे तो अगले 6000 साल तक भगवान आने से रहें, तो जो अगला युग होगा उसका राज यास्किन या फिर कली के पास
के पास होगा। एंड अब आप लोग बोल सकते हो कि इतना जल्दी भी कल्कि जी जन्म नहीं ले सकते, तो बॉस आपको याद दिला दूं कि जब वो कॉम्प्लेक्स में थी तो वहां पे हमें ये बताया गया था कि ये बेबी हो सकता है कि पहले जन्म ले ले, क्योंकि वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा था, विच इम्प्लाइज कि जब सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ही जब सारे प्लैनेट्स एक लाइन में हो तभी उनका जन्म हो। इनफैक्ट अगर आप कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोगो देखो तो वो भी एक एक्लिप्स को ही दिखा रहा है। एंड क्योंकि अब यास्किन के पास गांधी है प्लस दिव्य शक्ति है जो कि कल्कि भगवान के अंश से मिला है, तो वो अब एक भगवान को मार सकते हैं, मतलब कि कल्कि जी के लिए वो एक खतरा है। एंड यही खतरे के बारे में श्री कृष्ण जी ने मूवी के स्टार्टिंग में कहा था कि कलयुग में वो इतने सामर्थ्य होंगे कि वो मेरे जन्म को रोक सकेंगे, इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा जी को श्राप दिया ताकि वो सेफली इस दुनिया में आ सके। एंड साथ ही कर्ण का भी रीबर्थ करवाया ताकि उसे भी अपने मित्र के जैसे धर्म की तरफ से लड़ने का मौका मिले। यहां पर एक फन फैक्ट बताऊं तो रावण अपने बेटे इंद्रजीत के लिए भी सेम इसी तरह का सोलर एक्लिप्स चाहता था, लेकिन वो किसी का इंतजार नहीं किया बल्कि उसने सोलर एक्लिप्स जबरदस्ती फॉर्म करवा दिया था जबकि ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। बट हंसी वाली बात यहां पर ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी रावण फेल हो जाता है क्योंकि शनिदेव कुछ सेकंड के लिए इधर उधर हो जाते हैं, जिस वजह से इंद्रजीत अमर होते होते रह जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ग्रह दशा और सही टाइम में जन्म लेने वाली चीज कितनी ज्यादा मायने रखती है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। अब अश्वत्थामा जी का जिक्र हुआ है तो बॉस सोचा आपको बता दूं कि जिस तरह उनके माथे पर मणि है उसी तरह कल्कि भगवान के पास भी मणि होगा जिसको सामंतक मणि बोलते हैं। एंड ऐसा कई लोगों का मानना है कि यही सामंतक मणि को ही दिल रूप में ढाला गया एंड यही दिल जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है। वहीं कईयों का ऐसा मानना है कि सामंतक मणि और श्री कृष्ण जी का दिल दोनों अलग अलग है एंड उनके हिसाब से जिस बहेलिया ने श्री कृष्ण जी को मारा था उनके पास ही सामंतक मणि है। एज जब उन्होंने कृष्ण भगवान को मारा तो बहेलिया अफसोस करने लगा एंड उसी वक्त सामंतक मणि से रोशनी निकली जिससे विष्णु जी प्रकट हुए एंड उन्होंने समझाया कि तुमने जो किया वो तुम्हारा दोष नहीं बल्कि हिसाब बराबर करना था। पिछले जन्म में जब मैं राम था तो मैंने तुम्हें पीछे से चोरी छुपे मारा था जब तुम अपने भाई सुग्रीव से लड़ रहे थे, वहीं आज जब मैं यहाँ पे आराम कर रहा था तब तुमने मुझे पीछे से मारा जब मुझे इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद विष्णु जी ने मणि की जिम्मेदारी बहेलिया को दिया और वो ये मणि अपने ट्राई में पास ऑन करता गया। तो जिस तरीके से हमें संभाला दिखाया गया वैसे ही हमें बहेलिया का ट्राई भी दिखाया जा सकता है आने वाले पार्ट में, जो कि कल्कि भगवान के जन्म को सुनिश्चित करेगा और एकजुट होकर यास्किन के अगेंस्ट लड़ेगा। अब अगर ये ट्राइब नहीं भी दिखाया जाता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो मणि हमें उस मंदिर में दिखा दिया जाए जिसके नीचे कई सारे द्वार हैं एंड उसी द्वार के पीछे अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं कल्कि भगवान के जिनसे वो कलि का विनाश करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपके मन में कोई सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्टिंग लगा तो हम उसके ऊपर अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में कल के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।